टुडे आई एम गोना गिव सरप्राइज टू मारिया एंड उसको लग रहा है कि अभी मैं 4-5 दिन बाद आऊंगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। आई डोंट नो कि मैं कितने टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट 2 वीक हो चुके हैं एंड जो यूट्यूब को भी फॉलो हमारे कर ही रहे होंगे चैनल को, उनको पता ही होगा कि मैं अभी अलग जगह रह रहा हूँ, मुंबई में हूँ। मारिया पिछले 2 हफ्ते से दिल्ली में है, तो हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे, कोई फनी वीडियो भी नहीं बन पा रहे थे, जस्ट बिकॉज मैं इधर था एंड आई वॉज सुपर बिजी। एंड टुडे व्हाट आई एम डूइंग, टुडे आई एम गोना गिव सरप्राइज टू मारिया एंड उसको पता नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ शूट पे एंड मैंने उसको बोला कि मेरा नेक्स्ट वीक एक और शूट है, बट उसको ये नहीं पता कि मैं आ जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा आज चल रहा हूँ, अभी शूट पे जा रहा हूँ, देखते हैं कितनी देर में शूट फिनिश होता है। अगर 6-7 बजे भी फिनिश होता है तो 9-10 बजे की फ़्लाइट पकड़ सकता हूँ। अभी तक मैंने टिकट बुक नहीं करी है, जैसे ही शूट ख़त्म होगा उसी वक्त मैं बुक कर दूँगा। एंड उसको लग रहा है कि अभी मैं 4-5 दिन बाद आऊँगा, तो उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर है। बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं उसको सरप्राइज दूँ, और ये अगस्त चल रहा है तो ये मारिया का बर्थडे मंथ है, सो आई वॉज थिंकिंग कि उसको अच्छा सा सरप्राइज दे दूँ। एंड मौसम बढ़िया हो रहा है मुंबई में, आई डोंट नो यू गाइस कैन सी, बट अभी रेन बारिश हो रही थी काफ़ी दिनों से, आज बारिश हो नहीं रही है। एंड अकेले तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने में, हमारी साथ होती तो वीडियो बना भी लेता हूँ, बट अभी जा रहा हूँ, सो वी गोना मेक श्योर कि हम आपको कंटेंट देते रहे। आपने बहुत अच्छा मतलब अपना प्यार दिया वीडियो में, अभी भी हमारे कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स सब कुछ आ रहा है, सो आई एम गेटिंग मोटिवेशन कि ठीक है काम तो चलता रहेगा, ये भी चीज़ें पे हम फोकस करेंगे एंड गोना गिव माई बेस्ट टू डू इट। एंड अभी मैं जा रहा हूँ शूट लोकेशन पे एंड वहाँ पे मैं आपको शूट लोकेशन में दिखाऊंगा कि कैसा है, एंड देन उसके बाद अगर हुआ तो आज रात को मैं वीडियो में तो डालूंगा ही, अपडेट करूंगा आज रात को, अदरवाइज़ कल सुबह अपन जाएगी। सो ये है मेरा जिम, कहाँ गया ये रहा। तो अभी बज रही है लगभग 8:30 और मैं एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ा हूँ और लेट में हो रहा हूँ, सुपर लेट थैंक्स टू शूट के इतना लेट हो गया, भागना पड़ेगा भाई। तो मेरे शूट का मेकअप तक रिमूव हो गया, तो मैंने सोचा पहले मेकअप उतार लिया। सो अभी आप जैसा देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पहुँच चुका हूँ एंड बहुत सारी बातें थी यार करने को, मारिया को बताया नहीं है एज यू गाइस नो कि उसको सरप्राइज देने वाला हूँ। शूट जितना मैंने सोचा उससे लेट ख़त्म हुआ है, तो अभी मैं पकड़ रहा हूँ फ्लाइट 10 बजे की, तो 12 बजे पहुँच चुका हूँ, घर पहुँचने में 1-1.5 बज जाएंगे। एंड मैं कल सुबह की भी 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ सकता था, मेरा प्लान था कि 7 बजे की फ़्लाइट पकड़ूँ, बट अभी तो ये है कि नाउ आई कांट कंट्रोल ना, कि अभी तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया, कि मुझे लगा कि अब घर जाना तो जाना ही है, तो 6 घंटे का वेट नहीं हुआ एक्चुअली मुझसे टेक्निकली। सो मैंने डिसाइड किया कि अब जाना है, और मैंने मारिया से एक प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मेरा शूट ख़त्म होगा मैं उसी वक्त उसी दिन की फ़्लाइट पकड़ूँगा, डज नॉट मैटर कि कितनी लेट की फ़्लाइट है। हाँ थोड़ी चीज़ मैंने उसको ये बोला था कि मेरा 6-7 को शूट है, बट एक्चुअली मेरा आज शूट था, तो उसको लग रहा है कि मैं 7 तारीख को आऊँगा, तो वो थोड़ा उसके लिए सरप्राइज़ होगा। एंड मोम डैड को भी नहीं पता, तो वहाँ भी सरप्राइज़ होगा। और शूट पे क्या हुआ कि मैंने अपनी टिकट बुक कर दी 10 बजे की, 9:55 की, और मेरा शूट
खत्म 6:30 तक हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया 6 बजे ब्रेक ले लिया 1.5 घंटे का, एंड आई वाज लाइक कि अगर शूट हो ना हो आई एम गोना लीव। देन उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो चला ही जाएगा। मैंने कहा मैं नहीं केयर करता, आई डोंट केयर कि कितना नुकसान होगा, इफ़ आई डिसाइड तो डिसाइड। देन उन्होंने फटाफट शूट किया और 8 बजे के करीब ख़त्म किया। एंड वो कह रहे मेरे जो वहाँ पे क्लाइंट वो कह रहा है अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये एयरपोर्ट पहुँच जाए, इतना टाइम ही नहीं है। बट थैंक गॉड आई डोंट नो, जिस साइड मैं था ना उस साइड पूरा ट्रैफिक खाली, ऑपोजिट साइड फुल था ट्रैफिक, और मैं टाइम से पहुँच गया। और मैंने फटाफट अपना किया, और मेरे पास बैग तो कोई था नहीं, सिंगल बैग बस मैंने टांगा हुआ था, तो चेक इन के लिए था ही नहीं कोई बैग। बट नाउ आई एम हियर एंड अभी कुछ खाऊंगा, प्रोटीन बार अपने साथ रखी है, थोड़े चिप्स विप्स भी है, बनाना चिप्स वो भी खाऊंगा। एंड फ्लाइट में भी आई होप कि अच्छा सा डिनर मिले, तो वो तो हो जाएगा। एंड उसके बाद आई एम सो एक्साइटेड टू मीट देम, अभी ज़्यादा ही 2 हफ्ते हुए बट लग रहा है पत्नी कितने डेकेड हो गई। सो लेट्स सी के मारियो क्या रिएक्शन होता है, मे बी मैं वीडियो ना बना पाऊँ क्योंकि इतनी रात हो जाएगी, 1-2 बजे अपनी ऐसे सो रही होगी। सो आई डोंट वांट कि वो बोले कि कैसा मेरा शूट कर दिया इसने, तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ना। So finally, I am back. Finally. Who is back? Finally. You were waiting so much for him. I was not waiting. मैं तो wait ही नहीं कर रहा था. She was waiting. So much miss for that week. And he came back on in time for my birthday, right? Yeah. I am waiting. It's for her birthday. I don't remember. His surprise. What's gonna be surprise? सो अभी ये है कि व्हाट इज़ द सिचुएशन के मारिया का बर्थडे आने वाला है, बर्थडे वीक है, बर्थडे मंथ है। सो आई एम हेयर एंड मारिया ने बोला मुझे कोई अच्छी सी जगह लेके जाएगी ट्रीट करने। इन दिस यू नो लाइक द पीपल गिव अ बर्थडे टू द पार्टी, मतलब इनका बर्थडे पार्टी मैं दूंगा, मतलब समवन बोर्न एंड आई हैव टू गिव पार्टी, हाउ इट्स वर्क, मतलब कल को मेरे कल को जिसका भी बर्थडे हो मेरे दोस्त तो सबका मैं, मतलब मैं गिफ्ट, शी कैन एक्सपेक्ट गिफ्ट के ठीक है मैं गिफ्ट दे सकता हूँ, बट गिफ्ट मारिया ने मुझे बोला था कि अगर मैं दिल्ली आ गया तो इट्स लाइक गिफ्ट, अब मैं दिल्ली आ गया हूँ तो मारिया को थोड़ा वो होना चाहिए ना, ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए। So it's okay. Let's see what's gonna happen, no? So that was the video. You have anything else to say? Channel ko like, subscribe, share kar dena, please. Karte nahi ho. And video hum ab banana shuru karenge. Now we are together again. Yeah, so we gonna try to make together. Videos. Yes. Chalo, milte hain next video mein. See you guys. Bye. Take a minute.